नमस्कार साथियों, अभी हम हैं मूर्तिकार केशवपुर बाजार। साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस बार दुर्गा पूजा मूर्ति का प्राइस क्या क्या होने वाला है और इनको कितना वक्त लगा हुआ है इस बार मूर्ति को बनाने में। और ब्लॉग को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इनकी कलाकारी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और आपको कैसी लगेगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के ऑनर से जो कि यहाँ की एक मालकिन है। तो साथियों, ये है यहाँ के ऑनर जो हमें बताएंगे कि इस बार मूर्ति बनाने में कितना वक्त लगा है इनको और क्या प्राइस होने वाला है। तो ये मूर्ति आप स्टार्टिंग में बनाना स्टार्ट की थी जब हम आए थे, तो कितना वक्त लगा इस बार इस मूर्ति को बनाने में? ये सर मूर्ति हर चीज महंगा हो गया, मूर्ति भी थोड़ा महंगा हो। ऐसा इसका मूर्ति का तीरी दिया का बत्री दिया एक बार बार ना होला ना। अच्छा हाँ। सबसे पहले आप माता रानी को देखिए, फिर उसके बाद हम ब्लॉग को शुरू करते हैं। ये मूर्ति आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, ये जो सामने आपकी मूर्ति दिखाई दे रही है ये लगभग 8 से 9 फीट की मूर्ति होने वाली है। इसके साथ में 4 और मूर्ति होगी, टोटल 5 मूर्तियां होंगी इसके साथ में। तो इस मूर्ति का प्राइस 30,000 होने वाला है, उनके साथ में राक्षस भी होने वाला है। साथियों, एक बात और मैं बता देता हूँ आपको कि इनका कहना यह है कि आप लोग वीडियो के थ्रू आते तो हैं, लेकिन अगर यही वीडियो के थ्रू आप अगर पहले आ जाएं कि आपको किस तरह का मूर्ति चाहिए, अगर आप ऑर्डर दे के बनवाते हो तो उसमें रेट इनका कम हो जाता है, यही बात ना। बाकी अगर आप अचानक से आएंगे तो रेट ज़्यादा होता है। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, जो मूर्ति रेडी है उसका प्राइस जानते हैं। ये मूर्ति भी लगभग 7 फीट की होने वाली है। क्या प्राइस है इसका? ये जो 1-2 मूर्तियाँ जो देख रहे हैं आप, ये तीनों का प्राइस सेम है। बाकी इस तीनों मूर्ति के साथ में ये गणपति बप्पा और इधर लक्ष्मी माता सरस्वती माता ये होने वाली है, क्योंकि हाइट के हिसाब से मूर्ति के हिसाब से हाइट मैच करना चाहिए। बाकी मैं इसके पीछे आता हूँ, एक मूर्ति बहुत प्यारी लग रही है इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। बाकी इस तरफ देखिए आप, साथियों ये मूर्ति आप लोग देखें, इसकी हाइट लगभग 6.5 फीट होने वाली है। क्या प्राइस होने वाला है मैडम इसका? आ जाइए आगे, आ जाइए आगे, आ जाइए। क्या प्राइस होने वाली है इस मूर्ति की? ये 22,000 की मूर्ति है साथियों। आप पैसा मत नोटिस करिएगा, आप इनकी कलाकारी नोटिस करिएगा। साथियों, मैं इस बार जब पहले वीडियो बनाने आया ना तो मैं इनकी कलाकारी ही नोटिस किया हूँ, क्योंकि इस बार इन्होंने बहुत अच्छा फिनिशिंग दिया है। आप देखिए माता रानी को इस इन्होंने कैसे सजाया हुआ है, एक अच्छा लुक दिया है। अभी काम बचा हुआ है ना, अभी साथियों बाल जेवर ये सारा लगने के बाद और प्यारी लगेंगी हमारी माता रानी। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये मूर्ति जो है ये वही 30,000 वाली मूर्ति है ना, ये मूर्ति भी साथियों इस लाइन में जो है ये भी 30,000 की है। ये मूर्ति का क्या प्राइस है आप एक बार इसे देखिए पहले। इस लाइन में जितनी भी मूर्ति आपको देखेंगी मैं आपको हर तरह की मूर्ति दिखाता हूँ, लेकिन प्राइस सेम है 22,000 रुपये। आप आगे देखिए, आप हर मूर्ति का कलर और कपड़े का रंग अलग अलग देखेंगे और माता रानी का जो एक्सप्रेशन है फेस का वो भी अलग अलग है। हर मूर्ति में अलग अलग रूप दिखाया गया है। ये देखें, ये लगभग 9 फीट की मूर्ति है साथियों। इनकी कलाकारी हमें बहुत पसंद आती है। बाकी ये देखिए, ये भी वही 22,000। ये देखिए, एक मिनट दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसी लग रही है इनकी कलाकारी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मूर्ति का प्राइस है 30,000 रुपये, जो आपने पीछे देखा था वही है। बस आप लोग ये थोड़ा सा नोटिस करिएगा कि हर मूर्ति में फेस अलग अलग है माता रानी का।
साथ ही ये मूर्ति देखें, इस मूर्ति का कपड़ा देखें और कलाकारी देखें। अभी इधर काम चला बाकी है, काम बचा हुआ है। साथियों, मैं एक बार एक हफ्ते पहले आया था इनके यहाँ व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने बोला कि पहले माता रानी को थोड़ा सजा दिया जाए, इसलिए मैं एक हफ्ते बाद आके वीडियो बना रहा हूँ। अब साथियों, जो मूर्ति मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ना, अच्छा ये मूर्ति अभी बचा हुआ है साथियों, ये मूर्ति इनकी बची हुई है, तो जिसको भी चाहिए आप इनके यहाँ आइए। और चैनल का नाम बता दिया करिए साथियों, आप लोग बताते नहीं हैं। अब मैं आप लोगों के सामने जो मूर्ति दिखाने वाला हूँ ना, आप लोग देखते ही रह जाएंगे। साथियों, ये जितनी भी मूर्तियाँ मैंने आपको दिखाई हैं, इनका सबका प्राइस सेम है। बाकी यहाँ देखिए, हर मूर्ति का एक अलग रूप दिखाया गया है। साथियों, इनकी कलाकारी बहुत अच्छी होती है, मुझे तो बहुत पसंद आती है। मैं आगे की तरफ आपको लिवा के चलता हूँ एक बार, आप वहाँ देखिए। मैं बता दूंगा अभी, रुक जाइए। इस मूर्ति का प्राइस 5,000 है सिंगल। ये सेट में 12,000 की है। ये बस इसी रेंज में है, ये भी सेम 12,000 की है। ये 14,000 की मूर्ति है, सब सेट है, पांच के साथ में सब सेट है। साथियों, ये जो लाइन स्टार्ट होती है, इस लाइन में मूर्ति का प्राइस 24,000 से लेके 22,000 तक है। बाकी यहाँ से जो मूर्ति होने वाली है उसका 14,000 रुपये प्राइस है। बाकी हर मूर्ति का शेप अलग है। इसमें देखिए सांप दिखाया गया है, बाकी इसमें फूल है, इसमें देखिए अलग फूल है। बाकी हर मूर्ति को एक बार आप देखिए अच्छे से। ये देखिए भगवान शिव जी को दिखाया गया, उसके साथ माता रानी। ये सारी मूर्ति सेट के साथ में साथ 14,000 रुपये में आने पर कंसेशन हो जाएगा। बाकी पीछे गणपति बप्पा की मूर्ति बनाई जा रही है। टोटल इन्होंने इस बार 70 मूर्ति बनाई है। साथियों, ये देखिए माता रानी को साड़ी पहनाया गया इस मूर्ति में। हर मूर्ति में एक अलग रूप दिखाया गया है माता रानी का। बाकी इस लाइन में भी मूर्ति देख लीजिए साथियों, आप लोग छोटी छोटी मूर्ति है, हाइट लगभग 4 फीट होने वाली है और सेट में है, 5 के साथ सेट में है। हर मूर्ति का रूप एक अलग तरह से दिखाया गया है। भैया, ये मूर्ति आप कितना टाइम से बना रहे हैं? ये मूर्ति पूरा मूर्ति पूरा मूर्ति आप ही बता दीजिए। 5 महीने पहले लगभग 5 महीने से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, बहुत बढ़िया है, इस बार आपने बहुत अच्छा मूर्ति बनाया है। साथियों, ये जो मूर्ति है ना, इस मूर्ति का प्राइस है 35,000 रुपया, लेकिन वास्तव में ये मूर्ति इन्होंने क्या गजब बनाया हुआ है।
मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मूर्ति इस लाइन में जितनी भी मूर्तियाँ हैं लगभग 30 से 40 हज़ार के प्राइस में होने वाली। ये जो सामने है जितनी भी इनकी ये नए डिज़ाइन वाली मूर्ति है इसका प्राइस मैं आपको एक बार बता देता हूँ पूछ के। साथियों मैं बताता हूँ आपको, ये मूर्ति आप देख रहे हैं अब इसके साथ में आप साथियों उस मूर्ति के साथ में 9 और मूर्तियाँ हैं माता रानी का 9 रूप के साथ में। इन सबको मिला के टोटल 70,000 रुपये रखा हुआ है इन्होंने इस बार, और ये मूर्ति जाएगी जौनपुर के लाइन बाजार में। बाकी एक छोटी मूर्ति होगी उसके साथ में, ये वाली माता रानी का 9 रूप दिखाया जाएगा। साथियों इस बार की कलाकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप एक बार इनके मुंह से इनका लोकेशन सुन लीजिए, बाकी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आप अपना लोकेशन बता दीजिए। यहाँ का कारखाना का नाम शिव शक्ति शिल्पालय, मालिक का नाम बादल पाल, और लोकेशन आपका केशवपुर आजमगढ़ रोड जौनपुर। केशवपुर में साथियों 2 हैं सटे हुए, तो जहाँ की ऑनर ये हैं इनका फोटो बिल्कुल देख लीजिए, गिट्टी बाली का, हाँ गिट्टी बालू का दुकान जहाँ पर है वहीं पे आके इनसे ही मिलिएगा। और प्राइस वगैरह आपने देख लिया, बाकी मैडम की कलाकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या प्राइस है इसका? 16,000 का है। अच्छा ये मूर्ति देखिए साथियों 16,000 रुपये प्राइस है। बढ़िया आप तो अलग भी। ये जो लाइन में आपको मूर्ति मैंने बताया कि 14,000 में है, उस मूर्ति का प्राइस 12 से 14,000 होने वाला है। आप आएंगे तो कंसेशन हो जाएगा। तो आशा है कि आपको इनकी कलाकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, और इनकी कलाकारी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं लोकेशन दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए इनके जस्ट बाजू में भी एक मूर्ति कलाकार हैं, लेकिन आप वहाँ ना जाके आप इनके यहाँ भी आ सकते हैं। सब कुछ दिखाया तो ठीक है, लेकिन इनको भी दिखाना ज़रूरी है। जितनी भी बड़ी मूर्तियाँ हैं उनके साथ में ये राक्षस जाने वाले हैं। तो ये देखिए अलग कलर है बिल्कुल। तो मिलते हैं एक नया वीडियो में, यहाँ तक देख लिया तो लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।